मेरी बात है ये सारी कॉपीज़ हैं तभी तो इतना भारी हो रहा है ये सारी सारी कॉपीज़ रखने के लिए ये भाइयों जी पाम मैम भाइयों अरे मैम पढ़ाइए मुझे अच्छा अस्सलामुअलैकुम अच्छा। आदाब और बच्चों को मेरा प्यार आप सबका मेरे चैनल पर खुशहान दीद और सबका स्वागत आज है इलेवेंथ रो और मैं बनाने जा रही हूँ पहले कॉफ़ी जब तक कि दूध गर्म हो रहा था मैंने कल की अफतारी निकाल ली और मैंने दही निकाल लिया दूध गिर गया दही मैं हमेशा शक्कर के साथ लेती हूँ सादा दही मुझे नहीं अच्छा लगता है उसके बाद मेरी कॉफ़ी हो गई थी तो मैंने अपनी कॉफ़ी बना ली और फिर जो अफतारी थी कल की उसको गर्म कर लिया और फिर मैं चली गई अपनी सहरी करने के लिए है मेरी आज की पूरी सहरी जल्दी से कर लेती हूँ पाँच मिनट बचे हैं सिर्फ मेरे पास अच्छा मैं यह लाना भूल गई थी सहरी और फ़जर की नमाज़ पढ़ने के फौरन बाद में बैठ गई ये फ्लावर्स बनाने के लिए जो कि मैंने आपको पिछले व्लाग में दिखाया था कि मुझे गार्डन बनाना था तो आप लोग ने भी ये टिश्यू पेपर वाले फ़्लावर्स बनाए होंगे कभी ना कभी ज़िंदगी में हम लोग ने भी स्कूल में बनाए थे और आज बनाने का मौका दोबारा से मिलना है मुझको तो मुझे छोटे छोटे फ्लावर्स बनाने थे इसलिए मैंने टिशू पेपर के चार टुकड़े कर लिए उसके बाद ऐसे करके मैंने उसके ऊपर तार लगा दिया और फिर उसके बाद उसकी जब पत्तियाँ पटल्स खोलने की बारी आई तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि वो बहुत छोटा था बहरहाल वो खोल लिए और फिर उसके बाद मैंने फ़्लावर टेप और एक छोटी सी पत्ती लगा दी और फिर उसको थोड़ा सा पेंट कर दिया और इसी तरह के मैंने दो और बना लिए थे और मैंने जो पर्पल टिशू पेपर आता है मैंने उसके भी दो बना लिए थे और मैंने टिशू पेपर के ही पांच छोटे छोटे रोज़ के फ्लावर्स बना लिए थे अभी आपको वो आखिर में दिखेंगे मैंने तो सोचा था कि मैं अरगंडी के फ्लावर्स बनाऊंगी, मगर अरगंडी के फ्लावर्स बनाने में बहुत टाइम लगता है और मेरे पास वक्त बहुत कम था तो फिर मैंने पेपर्स के फ्लावर्स बना लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक येलो चार्ट पेपर और उसको फोल्ड करके बहुत सारे कट्स लगा दिए और फिर उसको खोल के उसके एंड पर फेविकॉल लगा दिया और पलट के उसको चिपका दिया है उसके बाद मैंने एक वायर लिया और उसके ऊपर फ्लार टेप लपेट के ये जो मैंने चार्ट पेपर चिपकाया था वो लगा दिया और ये खूबसूरत सा पत्तियों वाला फ्लावर बन गया इस तरह के मैंने दो और बना लिए थे और फिर मैंने हरे रंग में अचार बनाए थे और हरे रंग की जब बारी आई तो मेरे पास वायर ख़त्म हो गया था तो फिर मैंने अलग से चार्ट पेपर से उसके लिए उसकी डंडी बना दी और यहाँ पर मैं टिश्यू पेपर के छोटे छोटे रोज़ बनाती हुई जिनके बारे में मैंने अभी बताया था आपको कि मैं दिखाऊंगी तो वो बना रही हूँ बहुत क्यूट से छोटे छोटे बने थे अलहमद तो लाष की शुक्र से मेरे फ्लावर्स बन गए हैं और मैं अभी देखिए सारा बिखरा पड़ा है यहाँ पर और मैं आपको दिखा देती हूँ जल्दी से क्या क्या बनाया हम लोगों ने लगा के दिखा देती हूँ बड़ी तो अच्छा लगेगा देखिए एक ही वाला फ्लार एक ये तो इनका ये पूरा गार्डन हो जाएगा एक ये हो गया और ये छोटे-छोटे गुलाब के ये वाला थोड़ा खराब हो गया था अच्छा वाला दिखाती हूँ आपको ये प्रेटी क्यूट सा है दिख रहा है और और एक ये तो सारे ऐसे करके वो सजा देंगे अपने गार्डन में है। हाँ भैया नहीं नहीं आप मेरी मदद ना करो बेबी मेरी, मेरी मदद करने आ गई हैं आपको अच्छा लग रहा है हाँ। और ये चुटे -चुटे, मैंने लगा दिया। ये अभी रुक गया और यहाँ पर कहाँ कहाँ ये भी रुक जाओ बस लगा लिया आपने ये ये, ये। आप जीत गए ये देखिए ब्यूटीफुल सा गार्डन एकदम तैयार है या चल हट जा बेटा दीदी हट जा या ये क्या पापा लग रहा है जो करना हो करेंगे मम्मी, बोला मम्मी मामू? मामू? कौन हुआ? मम्मी।, मम्मी।, मम्मी। के मामू अभी तो आप मुझे मैम बुला रही थी मम्मी है। मैं यहाँ कुरान रही थी तो ये आ गई बैग लेके लाई दीजिए बहुत भारी है क्या रखा हुआ आपने इसमें पत्थर हाँ? बुक्स रखी है अच्छा सुबह फ्लावर्स बनाने में मुझे दो घंटे लग गए थे और हम सबको देर होने लगी थी इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार किया दोनों स्कूल गई और अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों स्कूल से वापस आ गई हैं और छोटी बैठ के अपना खेल खेल रही हैं

ये अभी आप दूसरी बुक निकाल लीजिए जिसमें कलरिंग है कलरिंग कर कल लीजिए आप इसी में शायद कलरिंग है एक कलरिंग वाला पेज खोल के आपको दे देते हैं उसमें कलरिंग कर कल लीजिए वाह ये, ये देखो ये 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 है ये वाला कलरिंग करने का है ले आओ कलर्स और उसको कलर कर दो गाय लेने के लिए कलर्स थोड़ा सा ब्राउन करके अब ब्लू किया जाने लगा क्यों भाई यहां पर है आवल ब्लू नहीं होता है आवल ब्राउन होता है ब्लू होता है ये ये ब्लू है। तो ये ब्लू करिए ना इसको ब्लू करिए यहाँ पे ब्लू करिए यहाँ पे करिए ब्लू यहाँ पे करिए ब्लू नहीं <laughs> यहाँ पर <laughs> यहाँ पर? पर नहीं यहाँ पर ब्राउन होगा यहाँ पर ब्राउन होगा पूरा ये भी ब्राउन होगा यहाँ पर ब्लू करिए छोटी को तो वहीं पर ब्लू करना था यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ और सबसे पहले मैं बनाऊँगी आज बेल का शरबत तो सबसे पहले मैंने बेल के बाहरी हिस्से को बेलन से तोड़ लिया और फिर मैंने आधा बेल लिया है सिर्फ़ और उसको पानी में डाल के खूब अच्छे से हाथ से मसल दिया और इसी बीच बड़ी बेटी भी आ गई थी उसको बहुत मज़ा आता है ये सब काम करने में अलहमदिल्ला माशाल्लाह से तो मेरे साथ खड़ी हुई थी और मेरे साथ वो भी नहीं छोड़ने लगी खूब अच्छे से जब सारा पल्प मैंने अच्छे से निचोड़ दिया फिर मैंने उसमें शक्कर डाल के मिला दिया अफ्तारी के टाइम हम इसमें बर्फ़ डाल देंगे और ये हमारे बेल का शरबत रेडी हो जाएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप बेल के शरबत में कुछ और भी डालते हैं और किस किस को बेल का शरबत पसंद है ज़रूर बताइएगा यहाँ पर मैंने चने बनाना शुरू किए नमक डाला हरा मिर्चा डाल के उसको गला लिया था और फिर मैं भगाने लगी यहाँ पे तो जब भगाना शुरू किया तो फिर से मैंने नमक डाल दिया उसमें फिर मुझे याद आया अरे मैं तो ऑलरेडी नमक डाल चुकी थी जब मैंने गलाया था तो फिर मैंने जल्दी से उसको जाके धुला और दोबारा भगा और इससे पहले मेरा भुना पिसा ज़ीरा और धनिया दोनों ख़त्म हो गए थे तो वो मैंने पीसा और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं धनिया पीस रही हूँ कल थोड़ा सा आलू बच गया था तो यहाँ पर मैं आलू की टिक्की तल रही हूँ और साथ ही साथ में ये बैगन की पकौड़ियाँ भी बना रही हूँ मेरे पास बैगन रखा हुआ था तो मैंने सोचा चलो आज पकौड़ियाँ बना लेती हूँ उनकी तो बहुत सिंपल सा तरीका था बैगन को मैंने लंबे लंबे काट लिए थे और बेसन में नमक मिर्चा धनिया ज़ीरा डाल के पानी डाल के घोल लिया और फिर मैंने अपनी बैगन उसी में डाल के एक दफ़ा फ़्राई कर लिया फिर एक और दफ़ा कोट करके दोबारा से फ़्राई कर लिया और मैंने इसी नीयत से बहुत सारी बना भी ली थी ताकि मैं पड़ोस में भेज दूँ थोड़ी सी बड़ी बेटी को तो फ्रेंच फ्राइज़ बहुत पसंद है आप सब जानते हैं तो उनका तो अफतारी फ्रेंच फ्राइज़ के बिना कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पर मैं उनके लिए फ़्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ और साथ ही मैं वो आके अपने लिए नमक डाल रही हैं और यहाँ पर मैं पापड़ तल रही हूँ और ये हो गई हमारी अफतारी रेडी बड़ी बेटी ऑलरेडी खाने लग रही थी उसको भूख लग रही थी और बस खूब सारे फ्रूट्स वेजीज और हमारा चना चलिए बैठ के खाते हैं अब शरबत बेल का मेरा तो पेट भर गया है बड़ी बेटी का पेट भर गया था मगर फिर भी मैंने उसको अपने साथ बिठा लिया और उसने थोड़े से और फ्रूट्स खाए वाटरमेलन खाया उसको पकौड़ियाँ बहुत पसंद आई थी माशाल्लाह से तो शायद पहली दफ़ा उसने बैगन भी खाया है शौक से और मैंने अपना चना खाया और हम लोग तो फ्राम्स तो बहुत पसंद है तो वो खाए हम लोगों ने और बस ये थी हमारी छोटी सी अफ्तारी इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं इन आपसे अगले ब्लॉग में मिलेंगे अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए तब तक लिए खुदा खुदाफिजाम